हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे विस्तर्स बुक का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसको लिखा है जॉन अपडाइक ने, और चैप्टर का नाम है शुड विजर्ड हेट मॉमी। क्या विजर्ड को मम्मी को मानना चाहिए? विजर्ड मीन्स अ मैजिशियन, जादूगर, अ पर्सन हु हैज़ अ मैजिकल पावर्स, एक ऐसा व्यक्ति जिसमें जादुई शक्तियाँ होती हैं उसे कहते हैं मैजिशियंस या विजर्ड। तो कौन से विजर्ड की बात हो रही है और कौन से मम्मी की बात हो रही है? विजर्ड को मम्मी को क्यों मारना चाहिए? अगर मारना चाहिए तो क्यों मारना चाहिए, और नहीं मारना चाहिए तो क्यों नहीं मारना चाहिए? ये दो प्रश्न इस स्टोरी को पढ़ने के बाद हमारे सामने आते हैं और हम सबको इसका उत्तर ढूंढना है। आप भी इन प्रश्नों का आंसर ढूंढिए, आपके अनुसार इसका क्या आंसर होगा स्टोरी पढ़ने के बाद हमें ज़रूर बताइए। तो आइए चलते हैं, आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसके कैरेक्टर्स के बारे में जानते हैं। कैरेक्टर्स माने इसके चरित्र कौन कौन से हैं। पहला एक कैरेक्टर है इसमें जोएन। जोएन एक है 4-year-old गर्ल, ऑल्सो कॉल्ड एज जो। जोएन एक लड़की है 4 साल की, जिसको कि हम जो के नाम से भी जानते हैं, और उसके फादर हैं जैक। जोन्स फादर, जोन के पिता हैं जैक, और जोन की मम्मी हैं क्लेयर, यानी जैक की वाइफ और जोन की मम्मी कौन है? क्लेयर। और उनका एक छोटा भाई है जो का, एक छोटा ब्रदर है, इसका नाम है बॉबी। सो दिस इज़ द हैप्पी फैमिली ऑफ 4 persons, फादर, मदर, ब्रदर एंड सिस्टर, एंड हर मदर इज़ 6 months प्रेग्नेंट, और उसकी माँ जो है प्रेग्नेंट है। और ये 4 लोग जो हैं फैमिली के हैं। इसके अलावा जो और कैरेक्टर्स हैं इस चैप्टर में वो है स्कंक। स्कंक क्या होता है? एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज द पिक्चर ऑफ अ स्कंक। एक नेवला आपने देखा होगा, उसकी ही प्रजाति का एक जानवर होता है छोटा सा, उसको कहते हैं स्कंक। अ क्रीचर विद अ बैड स्मेल, एक ऐसा प्राणी है, एक ऐसा जीव है जो कि बहुत ही गंदी स्मेल को छोड़ता है, उससे बहुत ही गंदी बदबू आती है, उसे कहते हैं स्कंक। और उसकी एक मम्मी है मदर स्कंक, मदर ऑफ बेबी स्कंक। स्कंक जो क्रीचर है उसकी मम्मी है मदर स्कंक। एंड देयर इज आल्सो अ कैरेक्टर आउल, मिस्टर आउल भी हैं उसमें एक आउल, जो कि अ वाइज क्रीचर, जिसको बताया गया कि ओल्ड एंड वाइज क्रीचर है, जो बूढ़ा उल्लू है लेकिन वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है। एंड अनदर कैरेक्टर इज, मेन कैरेक्टर इज विजर्ड। विजर्ड मीन्स अ मैजिशियन। तो ये सारे के सारे कैरेक्टर्स हैं जो कि इस चैप्टर में हम देखेंगे। आइए इसका समरी स्टार्ट करते हैं। द ओल्ड कस्टम ऑफ स्टोरी टेलिंग मीन्स कहानी सुनाने का पुराना रिवाज। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको सुलाने के लिए जो उनके पेरेंट्स होते हैं, उनके ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, वो उनको कहानियाँ सुनाया करते हैं। और जो भी वो कहानियाँ सुनाते हैं वो जनरली जो कहानियाँ होती हैं वो अनरियल होती है, वास्तविकता से बहुत दूर होती है, काल्पनिक होती है, वो कहानी सुनाने वाले के दिमाग की उपज होती है। तो ऐसी कुछ कहानियाँ होती हैं जिसमें कोई तर्क नहीं होता, कोई लॉजिक नहीं होता है, लेकिन बच्चे उनको बहुत ध्यान से सुनते हैं और उसको सुनते सुनते सो जाते हैं। और थोड़ा अगर बच्चे थोड़ा बड़े हैं तो बहुत सारे प्रश्नों का उसमें क्वेश्चन भी वो लोग करने लगते हैं। तो ऐसी कहानियों का बच्चों के दिमाग पर भी असर पड़ता है, जिनको सुन करके वो कुछ प्रश्न करने लगते हैं। जो कि जो फादर हैं जिनका नाम है जैक, वो भी अपनी बेटी जो को सुनाने के लिए कुछ कहानियाँ सुनाया करते थे। He used to tell his little daughter जो bedtime stories. When she grew older, she began to ask number of questions. चलिए ये जो चैप्टर है वो कुछ मॉरल इश्यूज़ को हमारे सामने उठाता है, और जनरली वो पेरेंटिंग के बारे में ये चैप्टर है कि जो जीवन को देखने का जो नज़रिया होता है बच्चों का अलग होता है, और पेरेंट्स का यानी जो एडल्ट होते हैं, बड़े लोग होते हैं, वो जीवन को दूसरे नज़रियों से देखते हैं। तो कहानी में क्या होता है कि अपनी कल्पना से सारी कहानियाँ उसको सुनाते हैं, और अब वो कोई भी नई कहानी जो है वो अब उनके दिमाग में नहीं आती है। तो क्या होता है कि द बेसिक स्टोरी वॉज द सेम बट इट्स अ हीरो चेंज। जो जो जैक है, जो एक बेसिक कहानी तो एक ही जैसी रहती है, बस उसका हीरो जो है वो बदल जाता है ना। इसको देखते हैं आगे किस तरह से कहानी सेम है और हीरो बदल जाता है। तो जो जैक जो स्टोरी सुनाया करते थे जो को, उसमें क्या था, रोजर फिश, स्क्विरल, चिपमंक द हीरो ऑफ द स्टोरी। जो कहानी का जो हीरो होता था उसका नाम होता था रोजर। तो रोजर नाम का एक हीरो होता था, वो कभी कभी
क्रीचर जो है वो बदल जाता था। कभी कभी वो फिश हो जाता था, जैसे रोजर फिश हो गया, कभी कभी वो स्क्वेरल हो जाता था, रोजर स्क्वेरल हो जाता था, कभी कभी वो चिपमंक हो जाता था, रोजर चिपमंक। यानी कि एनिमल चेंज हो जाता था लेकिन उसका नाम जो है वो सेम ही रहता था। और उस कहानी में जो रोजर होता है, जो हीरो होता है कहानी का, रोजर मीट्स एन आउल विद इट्स प्रॉब्लम। उसके पास हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है ना। रोजर हैड सम और अदर प्रॉब्लम्स एवरी टाइम। और कहानी में एक वाइज ओल्ड आउल भी होता है, एक बुद्धिमान बूढ़ा एक आउल भी है, एक कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। तो जब भी कहानी के हीरो के पास कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आउल के पास जाता है। आउल जो होता है वो उसको विजर्ड के पास जाने के लिए कहता है। यानी कि एक कैरेक्टर है रोजर नाम का हीरो, और उसके पास एक समस्या रहती है हमेशा कोई ना कोई। जब भी उसके पास कोई समस्या होती है तो उसका उसका सोल्यूशन लेने के लिए वो बूढ़े आउल के पास जाता है, जो बहुत बुद्धिमान होता है। जो बूढ़ा आउल होता है वो उसको बताता है कि तुम जाओ विजर्ड के पास, जो जादूगर के पास जाओ, वो तुम्हारी समस्या का समाधान करेंगे। और विजर्ड क्या करता है हमेशा, द विजर्ड सॉल्व द प्रॉब्लम। विजर्ड उसकी समस्या का समाधान कर देता है हमेशा विद हिज मैजिक मैजिक वैंड, उसकी जो जादुई की छड़ी होती है उसके साथ, और मंत्र कुछ मंत्र पढ़ के उसकी समस्या का समाधान करता है। रोजर फेल्ट गुड, और जब रोजर की समस्या का समाधान हो जाता है तो वो बहुत अच्छा महसूस करता है। ही प्लेड अलोंग विद एनिमल्स ऑफ द वुडलैंड, वो जंगल के जितने भी जानवर होते हैं उनके साथ बड़ी खुशी खुशी खेलता है। बट वेन हिज फादर यूज टू कम बैक, ही वेंट बैक होम टू ईट सपर विद हिम। लेकिन जब उसके पापा घर आते हैं तो उनके साथ वो शाम का खाना खाने के लिए चला जाता है। ही वेंट बैक होम टू ईट सपर विद हिम। सो जो फील्स हैप्पी विद दिस एंडिंग। और इस तरह से जो कहानी उसके पापा उसको सुनाते हैं, उसका एंड जो होता है वो हैप्पी होता है, सुखद अंत होता है। और इसको सुन करके जो जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तो ये जो है ये एक बेसिक प्लॉट जो है कहानी का हमेशा रहता था, बस सिर्फ उसका कैरेक्टर जो है वो बदल जाता था। लेटर हिज फादर टोल्ड द स्टोरी ऑफ अ लिटिल एनिमल कॉल्ड रोजर स्कंक। अब उसके बाद एक दिन क्या होता है कि रोजर स्कंक द न्यू हीरो, एक कहानी वो उसको और सुनाते हैं। एक दिन की बात है कि वो अपनी बेटी जो को कहानियाँ सुना रहे हैं, कहानी सुना रहे हैं। और कहानी में क्या है, एक कैरेक्टर है जो हीरो है, वो अब की बार क्या है, स्कंक। और स्कंक कौन बताता है, उसकी बेटी जो ही सजेस्ट करती है, उसने स्कंक का नाम सुना है। स्कंक एक नेवला एक प्रजाति होती है, उसी की प्रजाति का एक जानवर होता है जो बहुत ही गंदी बैड स्मेल छोड़ता है, जैसा कि आप चित्र में इस तरह से दिखाई देता है, उसकी बुशी टेल होती है उसकी। तो इसी तरह से उसके पापा जो हैं एक दिन जो को एक कहानी सुनाते हैं रोजर स्कंक की। रोजर स्कंक जस्ट लाइक अदर जैक अगेन मेड हिम हीरो ऑफ दिस स्टोरी। इवन स्कंक हैज़ अ प्रॉब्लम। अब जो स्कंक होता है उसकी भी एक समस्या रहती है। ही यूज टू स्मेल ऑफली बैड। उसकी क्या समस्या होती है स्कंक की, कि उससे बहुत ज़्यादा भयानक बदबू आती है, ऑफली बैड स्मेल होती है उसकी। द विजर्ड मेड हिम स्मेल लाइक रोजेज। तो फिर जो स्कंक होता है वो ओल्ड आउल के पास जाता है। ओल्ड आउल उसको सजेस्ट करता है कि जाओ तुम विजर्ड के पास जाओ, जादूगर के पास जाओ। जादूगर के सामने जाकर के अपनी समस्या बताता है कि मेरी बहुत गंदी स्मेल आती है, जिसके कारण लोग मेरे और साथी जो हैं एनिमल जो हैं जंगल के, वो मेरे साथ खेलते नहीं हैं। तो विजर्ड उससे पूछता है कि तुमको कौन सी स्मेल चाहिए। तो स्कंक उससे बताता है कि मुझे गुलाब की खुशबू चाहिए। किसकी खुशबू चाहिए मुझे, रोज़ की स्मेल बना दीजिए। तो विजर्ड क्या करता है, द विजर्ड मेड हिम स्मेल लाइक रोजेज एंड लिटिल एनिमल्स लाइक हिम एंड प्लेड विद हिम। तो विजर्ड जो है वो जो को उसकी खुशबू को, जो उसकी बदबू आती है उसकी खुशबू को चेंज कर देता है, और जिसके कारण कि जंगल के जो दूसरे जानवर थे वो स्कंक के साथ बहुत खुशी खुशी खेलने लगते हैं। और जो वॉज अगेन हैप्पी, जो जो है वो ये सुनकर के, कहानी सुनकर के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि ना कि अब जो है स्कंक जो है वो भी दूसरे एनिमल्स के साथ खेलने लग गया है। तो इसका हैप्पी एंडिंग हो जाता है। अब नेक्स्ट क्या होता है, रोजर स्कंक्स मदर डजंट लाइक चेंज। अब जब रोजर स्कंक की मदर को ये पता चलता है कि उनके बेटे की खुशबू बदल गई है, तो उसको ये वाला जो चेंज होता है वो पसंद नहीं करती। शी डजंट लाइक द चेंज ऑफ स्मेल। हाउ एवर स्कंक्स मदर वॉन्टेड स्कंक टू गेट बैक हिज ओरिजिनल स्मेल। वो क्या चाहती है, वो चाहती है कि उनका बेटा जो स्कंक है उसकी जो ओरिजिनल जो उसकी असली जो खुशबू है, यानी जिसको जो बदबू है वो वापस आ जाए। शी टुक हिम बैक टू द विजर्ड। कि वो एक छाता लेकर के जाती है और उस अम्ब्रैला से वो विजर्ड को जोर से मारती है और उसको कहती है कि मेरे बेटे को दोबारा से उसकी जो ओरिजिनल स्मेल है उसमें बदल दिया जाए, उसकी जो रोजेज वाली स्मेल है उसको ख़त्म करो, उसको समाप्त करना है
और उसके बदले उसकी जो ओरिजिनल स्मेल है उसको वापस मिलनी चाहिए। तो ऐसा सोच करके वो वहाँ जाती है और विज़र्ड को बहुत ज़ोर से अम्ब्रेला से मारती है। तो जो विज़र्ड होता है, स्कंक्स मदर वॉज हैप्पी, विज़र्ड जो है उसकी स्मेल को चेंज कर देता है, मीन्स नाउ अगेन स्कंक स्टार्टेड स्मेलिंग ऑफली बैड। इन जब ऐसा होता है तो जो की मदर तो बहुत खुश होती है, वो अपने बेटे को बहुत प्यार करती है, उसको गले लगाती है कि उनका बेटा पुराना पहले की तरह हो गया है। बट हाउ एवर जो वॉज नॉट हैप्पी, लेकिन जो जो होती है इस कहानी के एंडिंग से बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। शी डिजायर दैट द विजर्ड शुड हिट द स्टूपिड मॉमी। तो विजर्ड है यानी जो जादूगर है उसको मॉमी को मारना चाहिए। जो मम्मी ने जो जादूगर को मारा, बल्कि उसके बदले में जो जादूगर है उसको मम्मी को मारना चाहिए। हाउ एवर जैक डिफर, क्यों मारना चाहिए? क्योंकि जो मम्मी है उसने जबरदस्ती जो है स्कंक की स्मेल को चेंज करा दिया। जब स्कंक जो है रोजेस की तरह स्मेल कर रहा था तो सारे जंगल के जानवर उसके साथ खेल रहे थे, वो बहुत खुश था। लेकिन जैसे ही उसने पुरानी स्मेल करनी शुरू की, जंगल के जानवर अब उसके साथ खेलना उन्होंने बंद कर दिया था, वो उसके साथ नहीं खेलेंगे। वो ये सोच सोच करके जो जो है बहुत दुखी होती है, इसलिए वो बोलती है कि विजर्ड को जाकर के मम्मी को मारना चाहिए। जबकि हाउ एवर जैक डिफेंडेड द मदर्स एक्शन, जबकि जो जो के फादर होते हैं जैक, वो उसकी माँ का पॉइंट ऑफ व्यू को डिफेंड करते हैं, उसकी तरफदारी करते हैं कि जो कि जो स्कंक की मदर है उसने सही किया। उन्होंने क्या किया कि जो लिटिल स्कंक है वो अपनी मम्मी को बहुत प्यार करता है और किसी भी जानवर से ज़्यादा प्यार करता है, मम्मी को किसी भी कीमत में नहीं खोएगा। और जो माँ बाप हैं, जो मदर है, वो अपने बच्चे के बारे में क्या सबसे अच्छा चीज़ होता है वो ज़्यादा जानती है ना। द पॉइंट इज दैट द लिटिल स्कंक लव्ड हिज मॉमी मोर देन द लव्ड ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स एंड शी न्यू वॉट वॉज राइट। हर मदर स्कंक्स मदर न्यू वॉट वॉज राइट फॉर हिम। स्कंक की माँ जानती थी कि उसके लिए क्या सही है, इसलिए जो जैक जो के फादर जो होते हैं जैक, वो उसकी मम्मी को डिफेंड करते हैं कि मम्मी मतलब सही थी। जबकि जो थी, ये सब देख करके जो को बहुत ज़्यादा दुख होता है। सो दैट इज द एंड ऑफ द स्टोरी। अब यहाँ पे कहानी का अंत हो जाता है। जो वॉन्ट्स टू चेंज द स्टोरी, हमने देखा कि जो चाहती है कि कहानी जो उसके पापा ने उसको सुनाई है कि जो स्कंक की स्मेल चेंज हो जाती है, उसको फिर से चेंज किया जाए, स्टोरी को फिर से चेंज किया जाए। क्यों? द पर्सपेक्टिव ऑफ चिल्ड्रन ऑन लाइफ इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम आर्स। जो बच्चे होते हैं, जीवन को देखने का उनका दृष्टिकोण अपने बड़ों से एकदम अलग होता है। यानी मम्मी पापा का बच्चों को जीवन के प्रति बड़ों का और छोटों का नज़रिया एकदम अलग होता है। दे रोम इन अ ड्रीमी एंड मैजिकल वर्ल्ड। बच्चे जो होते हैं एक काल्पनिक संसार में घूमते रहते हैं। इट इज़ एन आइडियलाइज्ड वर्ल्ड वेयर ब्यूटी एंड लव रूल सुप्रीम। वो एक ऐसे ऐसे संसार की कल्पना करते रहते हैं जहाँ पर कि सब कुछ बहुत सुंदर है और सब कुछ बहुत प्यारा है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, जबकि इन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। जो वॉज अनहैप्पी दैट द हीरो ऑफ द स्टोरी रोजर स्कंक वॉज मेड टू स्मेल वेरी बैड अगेन। जो बहुत दुखी थी क्योंकि वो देखती है कि जो उसकी कहानी का नायक है रोजर स्कंक, उसको दोबारा से उसको उसकी बैड स्मेल को वापस ले आते हैं। रोजर्स मम्मी वॉन्टेड इट टू हैपन, क्योंकि रोजर की मम्मी ये चाहती थी कि उसकी स्मेल वापस आ जाए। जो वॉन्टेड दैट द स्टूपिड मम्मी, अब अकॉर्डिंग टू जो मम्मी वॉज वेरी स्टूपिड, जो के अनुसार मम्मी जो थी बहुत बेवकूफ़ थी, स्टूपिड थी, इसलिए अब मम्मी को क्या करना चाहिए, उसको पनिश करना चाहिए, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और सज़ा में क्या होना है, द विजर्ड शुड हैव टेकन द मैजिक वैंड। विजर्ड को अपनी मैजिक वैंड अपनी जादुई छड़ी को लेना है और मम्मी को जोर से उसके सिर पर मारना है। सो जो वॉन्टेड हर लिटिल हीरो स्मेल ऑफ रोजेस, जो जो चाहती है कि उनका जो हीरो है स्कंक, जो छोटा सा हीरो है, वो अब फिर से गुलाब की खुशबू से महकने लगे और सारे जंगल के बच्चे उसके साथ खेलने लगे। द स्टोरी रेजेज सर्टेन मॉरल इश्यूज। द बेसिक मॉरल इश्यू इज ऑफ रेशियल सेग्रीगेशन। देर इज अनदर मॉरल दैट इज प्रेजेंटेड थ्रू स्टोरी, वी शुड नॉट लूज अवर ओरिजिनैलिटी एंड आइडेंटिटी। इसमें कुछ मॉरल इश्यूज, कुछ नैतिक मुद्दों को भी उठाया गया है कि जो रेसियल सेग्रीगेशन होता है, जो नस्ल के आधार पे, जो जाति के आधार पे जो भेदभाव होता है वो नहीं होना चाहिए। और एक और इसमें एक पॉइंट उठाया गया है कि हमको अपनी ओरिजिनैलिटी और अपनी आइडेंटिटी, जो हमारी पहचान होती है, जो हमारी ओरिजिनैलिटी होती है, उसको हमको भूलना नहीं चाहिए, उसको खोना नहीं चाहिए।
और थीम जो है इस कहानी की, जो थीम है, विषय वस्तु है, जैसा कि हमको चैप्टर पढ़ने के बाद हमने देखा कि जो स्टोरी है वो कुछ मॉरल इश्यूज को उठाती है कि पेरेंट्स को, क्या पेरेंट्स को ये डिसाइड करना चाहिए अपने बच्चों के लिए कि बच्चे को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। द स्टोरी रेजेज अ मॉरल इशू वेदर पेरेंट्स शुड डिसाइड वॉट द चिल्ड्रन शुड डू वॉट दे लाइक टू डू, कि बच्चों को जो कुछ करना पसंद होता है क्या पेरेंट्स को उनको वो करने देना नहीं चाहिए या चाहिए, या कि पेरेंट्स के अनुसार उनको चलना चाहिए। द स्टोरी ऑल्सो डील्स विद द थीम दैट पेरेंट्स नो वॉट इज बेस्ट फॉर द चिल्ड्रन इवन दो द चिल्ड्रन मे नॉट रियलाइज इट। कहानी ये भी बताती है कि बच्चों के लिए बेस्ट क्या है, उनके जीवन के लिए सबसे अच्छा चीज क्या होता है, क्या हो सकता है, वो उनके पेरेंट्स उनसे ज्यादा जानते हैं, जो कि बच्चों को वैसा महसूस नहीं होता है। सो नाउ वी कम टू द एंड ऑफ द चैप्टर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, गुड बाय टिल वी मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। सी यू सून, टेक केयर।